यूक्रेन संकट को देखकर वापस लौटे छात्र खौफ के उस मंजर को भुला नहीं पा रहे हैं। हरिद्वार जिले में अब तक 26 मेडिकल के छात्र यूक्रेन से अपने घर लौट चुके हैं। अपने बच्चों को सही सलामत अपनी आंखों के सामने पाकर उनके माता पिता भी राहत की सांस ले रहे हैं। यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिव्स सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे आयुष कुमार 2 दिन पहले घर लौटे हैं। अपने माता पिता के बीच बैठकर आयुष कुमार ने युद्ध के मंजर को बयां करते हुए बताया कि हालात बेकाबू होने पर उन्होंने अपने देश वापस लौटने की उम्मीद खो दी थी। हालांकि दुखी माता पिता का ख्याल आने पर उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई और जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। वहीं इवानो फ्रैंकिव सिटी में ही 3 महीने पहले गई फर्स्ट ईयर की छात्रा मानसी भी काफी सहमी हुई है। मानसी की माँ अपनी बेटी को आंखों के सामने देखकर भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। जी, एक समय ऐसा आया कि भीड़ की वजह से वहाँ पे भगदड़ मची, जिसमें कि मेरा एयरपोर्ट वाला वो पासपोर्ट वाला एक पाउच और मेरा बैग वो भीड़ में ही रह गया, क्योंकि मैं भी दबने वाला था। मैं बाहर निकला तो खो गया था। उस वक्त मेरी हिम्मत टूट गई थी काफ़ी। मुझे लगा कि शादी आखिरी हो दिन, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर अगले दिन मैंने दोबारा कोशिश करी, लाइन में लगा वहाँ पर, और मैंने अपना पाउच भी ढूँढा, बल्कि डॉक्यूमेंट सब मुझे मिल गए और मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। बॉर्डर से पहले तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मुझे जानकारी भी नहीं, लेकिन हाँ, रोमानिया बॉर्डर में क्रॉस करने के बाद जो हमें सुविधाएं मिली हैं और सारी शेल्टर से सारी सुविधाएं, उसके लिए मैं और शुक्रिया करना चाहूँगा गवर्नमेंट का। और फ्लाइट जो कि इतनी अच्छी और फ्री हम पहुँचे हैं यहाँ। जैसे टीवी पे धमाके वगैरह दिखा रहे थे कि बच्चे ऐसे फंसे हुए हैं और माँ बाप भी उनके परेशान हैं और हम लोग भी बहुत परेशान थे कि किसी तरह से बच्चे वापस आ जाएं, हमारा भी वापस आ जाए और उनका भी वापस आ जाए, सबके बच्चे वापस आ जाएं। मैं भारत सरकार का धन्यवाद ही करूँगी मैं कि उन्होंने इतना ध्यान किया कि बच्चे किसी तरीके से अपने वतन वापस आ जाएं। एक क्लास में हमारी मैम ने हमें उस दिन कहा था कि तुम तो चले जाओगे, तुम्हारा तो देश नहीं है, लेकिन हो सकता है हमें यहाँ पे जो हम हैं यहाँ पे, हमारा जो डर है, हमारा जो लॉस होगा, वो तुम्हें याद रहे शायद। अब बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत। अब मुझे शांति इतनी मिली है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जब तक ये बच्चे नहीं, मतलब बॉर्डर नहीं पास किए थे ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। उसके बाद से ये बोली कि मम्मी हम यहाँ आए हैं, यहाँ वाले लोग मुझे हेल्प कर, तब हमें शांति मिली कि हाँ हमारी बेटी अब आ लौट आएगी। फिर उसके बाद से ये जो वहाँ रोमानिया में इसको दिए थे खाने के लिए, तो ये फ़ोटो एक भेजी, मम्मी मेरे को ये वहाँ के लोग दिए हैं। वहीं यूक्रेन के खारकीव से हरिद्वार पहुंचे वैभव सैनी के माता पिता उन्हें लेने के लिए बस स्टॉप पर पहुंचे और बेटे का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। बेटे को सुरक्षित सामने देखकर माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों की जान में जान आई। वैभव ने बताया कि खारकीव में हालात काफी खराब है, जंगल के हालातों से निकलकर घर पहुँचना एक सपना सच होने के बराबर लग रहा है। देखिए, वहाँ से निकलने के लिए मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब कि जैसे देखते हैं कि पहले तो ट्रेन पकड़ना, और जैसे वहाँ की युद्ध के हालात की स्थिति थी, आपातकाल लगा हुआ था, तो उसी से देखते हुए कि ऐसा था कि मतलब कहीं से भी कुछ स्ट्रगल सकती थी और बहुत खतरा था। भारत सरकार की भूमिका बहुत अच्छी रही और जो आगे करी, जो हमें सूचना मिली वो भी ठीक है। उसके बाद एयरफोर्स की आई थी जो आया, तो बड़ी खुशी हुई कि 400 बच्चे आए एकदम, इसके साथ 250 बच्चे थे, तो बड़ा लग रहा है कि सारे बच्चे ठीक अपने घर पहुंच जाए। युद्ध प्रभावित देश से भारत लौट रहे छात्रों को घर पहुंचाने में प्रदेश सरकार और प्रशासन भी दिन रात एक कर रहा है। हरिद्वार पहुंचे छात्र वैभव का एडीएम ने स्वागत किया। एडीएम ने बताया कि हरिद्वार जिले में अब तक 26 छात्र छात्राएं सकुशल वापस आ चुके हैं। बाकी सभी छात्रों को वापस लाने के लिए भी शासन और प्रशासन के अधिकारी तत्परता से लगे हुए हैं। हरिद्वार जिले के जो 43 में से 26 आ गए हैं और 16 लड़के भी हमारे जो बॉर्डर कंट्री में हैं, और यूक्रेन में भी एक लड़का भी है, वह सेफ है। उससे बात हुई है, उनके पिताजी, उनका भाई से उनका बात हुई लगातार, और व्हाट्सएप में भी मैसेज आया सेफ है, शायद आज निकलेगा बॉर्डर के। आठ में जो हमारे उत्तराखंड शासन के जो हमारे अधिकारी गणों का जो हमारे मार्गदर्शन मिल रहा है उसकी लिस्ट के अनुसार, और जो माता उत्तराखंड सदन में हमारे आयुक्त महोदय है उनसे लगातार संपर्क में, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, और आपदा कंट्रोल रूम हमारा एक्टिवेट है, 24 घंटा हम लोग काम करते हैं।
यूक्रेन संकट का मंजर नजदीक से देखकर लौटने वाले छात्र अभी तक उस मंजर को भुला नहीं सके हैं। हालांकि अपने घर में माता पिता के बीच आकर छात्र अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बुरे हालातों में फंसे दूसरे लोगों की सलामती की दुआ भी कर रहे हैं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।